सत श्री अकाल जी दा खालस। टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत। हेडलाइंस इस बुलेटिन नाल मैं हाजिर हाँ जगजीवन मीत। अज दियां खास खास खबर शुरू करने तो पहला पेश करना अज दा खालस विचार। शरीर नाशवान जू रहा पर शरीर दियां ताकतां ही सानू परमात्मा नाल जोड़ सकदियां ने। ते हुण पेश ने अज दियां खास खास खबर। तौकते तूफान ने मचाया कहर। मुंबई के बरसते तैनात 22 कर्मचारियों की हुई मौत। 65 हाले भी लापता। पंजाब भी हो रहा इस तूफान का असर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पंजाब के कई हिस्सों से बदलवाई के गरज पै सकता है मीह। 21 मई तो मौसम साफ होने के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौकते तो प्रभावित गुजरात के दीप का किया हवाई दौरा। गुजरात लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का किया ऐलान। वैनकूवर सिटी कौंसल ने कामागाटा मारू दुखांत लिए मंगी माफ़ी। 23 मई में कामागाटा मारू यादगार दिवस मनाने का किया ऐलान। सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों मुफ्त दिए जाएंगे 5,86,00,000 कोरोना वैक्सीन के टीके। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। उधर राजस्थान ने काली फंगस नूं महामारी ऐलानिया। शुगर के मरीजों को काली फंगस होने का ज़्यादा खतरा। 2 साल तो 18 साल तक के बच्चों उत्ते कोवैक्सीन का ट्रायल रोकने खिलाफ पटीशन से केंद्र सरकार तो किया गया जवाब तलब। उधर मालवा जिले 69 व्यक्ति जिंदगी की जंग हारे। बठिंडा जिले 34, मुक्तसर जिले 19 और मानसा जिले कोरोना नाल हुई 6 मौत। मोगा सेहत विभाग ने लिया नवा फैसला। कोरोना टीका लगाने तो पहला करवानी पवेगी कोरोना की जांच। पंजाब के लुधियाना जिले के लाडियां कलां के लोगों ने कोविड-19 महामारी दौरान पिंड में डॉक्टरी ढांचे की घाट को लेकर की शिकायत। पिंड के सरपंच मुताबिक सरकार वालों कोई भी साड़ी सहायता बारे पूछगिछ कर नहीं आया। दिल्ली के सिंघू बार्डर के किसान मोर्चे 2 किसानों की हुई मौत। पटियाला लुधियाना के रहने वाले सन 2 किसान। उधर दिल्ली की तेज़ बारिश कारण दिल्ली के किसान मोर्चों में भारी नुकसान। किसानों के टेंटों भरिया पानी। हिसार से किसानों उत्ते हुई लाठीचार्ज तो बाद नाराज किसानों ने मैयड़ कोटला के विधायक जोगी राम सहाग की कार से काफिला रोकया। माफ़ी मंगवाई तो इस तो बाद ही किया काफिला रवाना। मरीजों को 3 से 4 दिन 8 से 10 लाख रुपए लेने वाले मोहाली के निजी हस्पतालों से कसया शिकंजा। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों 26 मई तो 29 मई तक करवाया जाएगा पेंटिंग कंपटीशन। 6वीं क्लास तो लैके 10वीं तक के विद्यार्थी ले सकते हैं इस हिस्सा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री YS येदुरप्पा ने लोगों 1,250 करोड़ रुपए का कोरोना राहत पैकेज किया ऐलान। रोजगार रोजी रोटी कोरोना लाग के मद्देनजर की गई तालाबंदी कारण प्रभावित हुए लोगों को होगा इसका फायदा। सिंगापुर उड़ान मामले में केजरीवाल की टिप्पणी भारत का नहीं है कोई बयान। विदेश मंत्रालय ने किया स्पष्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को सिंगापुर और केजरीवाल को है बच्चों की चिंता। कोरोना के टीके लिए सरकारी पैनल नैशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिन ने दी नवी सलाह। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीज 3 महीने बाद ही लगवा सकेंगे इसका टीका। उधर कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने कोरोना लाग नाल हुई मौतों की गिनती च वाधा होने लैके केंद्र सरकार से कसया निशाना। कहा कि ध्यान भटकाना झूठ फैलाना तथ्य लुकाना है इस सरकार की नीति। बिहार विधानसभा में विरोधी धिर के लीडर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। कहा अपने सरकारी घर को कोविड केयर सेंटर किया है तब्दील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता आई कमी। कोरोना की दूजी लहर अंदर सरकार के प्रबंध हैं लोगों के ध्यान से एक सर्वे होया इसका खुलासा। न्यूजीलैंड सरकार वालों 2020 आए भारतीय मूल के लोगों को वापस मुड़ने के हुक्म किए गए जारी। हुण अमरीका च बिना ब्रांड किसी के घर दाखिल नहीं हो सकेंगे पुलिस के मुलाजम। अमरीका के नामी वकील जसप्रीत सिंह अटारी ने दी यह जानकारी। इजराइल ने हमास के सेना प्रमुख को मारने लिए कई बार लाया निशाना। इजराइल के फलस्तीनियों विचाले 10 दिन भी संघर्ष जारी। तुहाडा दिन शुभ रहे। धन्यवाद।